हाय गाइस, अगर आप लोग स्मॉल डॉग ब्रीड लवर हैं, तो भी ये वीडियो आप लोगों को देखनी चाहिए। और अगर आप लोग एक मीडियम साइज की डॉग ब्रीड को परचेज करना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दो डॉग्स ब्रीड लेके आया हूँ और दोनों ही डॉग ब्रीड बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर है। जी हाँ गाइस, आज हम बात करेंगे पग एंड लैब्राडोर के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में जो ये लैब्राडोर है ये एक फीमेल है और जो पग है वो है मेल। तो आज की इस वीडियो में ये दोनों ही बेस्ट फैमिली डॉग ब्रीड हैं, तो आप लोगों के पास दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आप लोग स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड को परचेज करना चाहते हैं, तो आप लोग पग को परचेज कर सकते हैं। और अगर आप जाना चाहते हैं मीडियम साइज की डॉग ब्रीड की तरफ, तो लैब्राडोर आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। और दोस्तों, देखा जाए तो ये दोनों ही डॉग्स क्वालिटी वाइज भी बहुत ही अच्छे हैं, और ब्लैक लैब्राडोर की तो आजकल काफी डिमांड है। और डियर फ्रेंड्स, ये लैब्राडोर ऑलरेडी पपीज को दे चुकी है और ओनर ने मुझे बताया कि काफी जल्दी हीट पे आने वाली है। लैब्राडोर बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होते, इसीलिए आप लोग इस एडल्ट फीमेल को भी परचेज कर सकते हैं, चाहे आप लोग फर्स्ट टाइम ओनर हैं या फिर सेकंड टाइम ओनर। और फ्रेंड्स, लैब्राडोर की डाइट में भी आप लोगों को ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता और ये डॉग्स बीमार भी काफी कम पड़ते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं इस लैब्राडोर की एज और प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, ये फीमेल 2 इयर्स की हो चुकी है और ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो के जस्ट 8,000 पीस, यानी 8,000 रुपए। वैसे प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, बट मुझे ये कंफर्म नहीं है कि आप लोगों को इसमें डिस्काउंट मिल पाएगा या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, ये तो इस लैब्राडोर के बारे में बात। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी डॉग ब्रीड की तरफ, जो कि बहुत ही क्यूट है। यहाँ गाइस, वो है पग। तो फ्रेंड्स, ये पग एक मेल डॉग है और एकदम प्योर क्वालिटी का है। तो फ्रेंड्स, पग को परचेज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो आप लोग इन डॉग्स को घर पे अकेला छोड़ सकते हैं। पग एक इंडिपेंडेंट डॉग ब्रीड है, ये अकेले होने पे ना तो रोते हैं और ना ही बात करते हैं। और दूसरा, इनका स्मॉल साइज होने की वजह से आप लोग इन्हें साथ में ट्रेवलिंग पे भी ले जा सकते हैं, ये आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। और अपार्टमेंट फ्रेंडली होने की वजह से इन डॉग्स को बाहर घूमना भी इतना ज्यादा पसंद नहीं है, ये डॉग्स घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। बट फिर भी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन डॉग्स को बाहर लेके जाएं और इन्हें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर कराएं, ताकि हमेशा हेल्दी और फिट बने रहें। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस छोटू की एज, प्राइस और लोकेशन के बारे में। तो अगर इसकी एज के बारे में बात करें, तो ये 1 मंथ का हो चुका है और इसकी जो लोकेशन है वो है मेरठ यूपी से। डिलीवरी आप लोगों को आसपास के एरियाज में ही मिल पाएगी, लोकल एरिया में। बाकी आप लोग डायरेक्ट विजिट करके इन्हें परचेज करें तो ज्यादा बेटर है। तो अगर फाइनली बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो गाइस, ये पग एक मेल पपी है और ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो के 13,000 पीस, यानी 13,000 रुपए। और मुझे इसके बारे में भी कंफर्म नहीं है कि ये प्राइस भी नेगोशिएबल है या फिर नहीं। आई नो इसके बारे में आप लोग कंसल्ट जरूर कर लोगे। तो गाइस, इन दोनों का प्राइस और इन दोनों की क्वालिटी आप लोगों को कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय।